नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मनीषा कोइराला जी की सभी हिंदी फिल्मों की लिस्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और वर्डिक्ट के बारे में। दोस्तों, वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मनीषा कोइराला जी की पहली फिल्म आई साल 1991 में सौदागर, और इस फिल्म की लागत थी मात्र 3,50,00,000 की और इसने दुनिया भर से कमाई की थी 16 करोड़। और दोस्तों, इनकी पहली फिल्म ही बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। इसके बाद इनकी फिल्म आई फर्स्ट लव लेटर, और दोस्तों यह हिट हुई थी। नेक्स्ट फिल्म आई थी इनकी 1992 में यलगार। इस फिल्म की लागत थी 2,10,00,000 की और इसने कमाई की थी 5 करोड़, और यह बिलो एवरेज रही। अगली फिल्म आई इनकी 1993 में इंसानियत के देवता, और दोस्तों यह हिट रही थी। इसके बाद आई थी अनमोल और यह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई धनवान और इसकी लागत थी 1,60,00,000 की और इसने कमाई की थी 2,61,00,000 और यह भी फ्लॉप रही। 1994 में इनकी फिल्म आई यूं ही कभी, और इस फिल्म की लागत थी 2 करोड़ की, कमाई की थी इसने मात्र 1,00,000 और यह बुरी तरह डिजास्टर रही। इसके बाद आई थी 1942 ए लव स्टोरी, और इसकी लागत थी 4,75,00,000 की और इसने कमाई की थी 11,69,00,000 की, और इसी के साथ ही यह सेमी हिट रही। इसी साल ही इनकी फिल्म आई संग दिल सनम, और 1,40,00,000 की लागत से बनी इस फिल्म ने कमाई थी 1,28,00,000 की, और दोस्तों इसी के साथ यह डिजास्टर रहती है। अगली फिल्म आई इनकी 1995 में क्रिमिनल, और इस फिल्म की लागत थी 3,20,00,000 की और इसने कमाई की थी 4,65,00,000 की, और दोस्तों यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई थी अनोखा अंदाज, और इस फिल्म की लागत थी 85,00,000 की और इसने कमाई की मात्र 37,00,000 की, और यह डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी फिल्म आई गुड्डू, और इस फिल्म की लागत थी 2 करोड़ की और इसने कमाई की 3,72,00,000 और यह फ्लॉप रहती है। इसके बाद आई रामशास्त्र, और इसकी लागत थी 3,25,00,000 और इसने कमाई की 3,84,00,000 की, और इसी के साथ यह भी फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई अकेले हम अकेले तुम, और इस फिल्म की लागत थी 4,50,00,000 और इसने कमाई की दुनिया भर से 12,37,00,000 की, और दोस्तों यह बॉक्स ऑफिस पर अबव एवरेज रहती है। इसके बाद आई थी मिलन, और इसकी लागत थी 1,70,00,000 और इसने कमाई की 2,44,00,000 और यह फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी फिल्म आई दुश्मनी, और इस फिल्म की लागत थी 5,75,00,000 की और इसने कमाई की थी 5,85,00,000 और यह भी फ्लॉप रही। अगली फिल्म आई थी मनीषा कोइराला जी की साल 1996 में अग्नि साक्षी, और दोस्तों इस फिल्म की लागत थी मात्र 4,75,00,000 की और इसने पूरी दुनिया भर से 27,51,00,000 की बम्पर कमाई की, और इसी के साथ ही यह बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद आई थी मझधार, और इसकी लागत थी 1,50,00,000 की और इसने कमाई की मात्र 39,00,000 की, और दोस्तों यह डिजास्टर रही। इसी साल ही इनकी फिल्म आई खामोशी, 6 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म ने कमाई थी दोस्तों 12,24,00,000 की, और इसी के साथ यह बिलो एवरेज रही। इसके बाद 1997 में इनकी फिल्म आई सनम, फिल्म की लागत थी 4 करोड़ की और इसकी कमाई हुई थी 6,01,00,000 और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई गुप्त, इस फिल्म की लागत थी दोस्तों 9,50,00,000 और इस फिल्म की कुल कमाई हुई थी 25,87,00,000 की, और इसी के साथ ही इसे बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दी गई। इसके बाद इनकी फिल्म आई थी दिल के झरोखे में, और दोस्तों इसकी लागत थी 1,25,00,000 की और इसने कमाई की मात्र 66,00,000 की, और इसी के साथ यह बुरी तरह डिजास्टर रही। अगली फिल्म आई थी इनकी 1998 में योग पुरुष, फिल्म की लागत थी 5,25,00,000 की और इसने कमाई की 4,12,00,000 की, और दोस्तों इसी के साथ यह डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी फिल्म आई अचानक, फिल्म की लागत थी 4,25,00,000 और इसने कमाई की 5,98,00,000 और यह फ्लॉप रहती है। इसके बाद इनकी फिल्म आई दिल से, 11
करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म ने दुनिया भर से कमाई की थी 24,53,00,000 की और दोस्तों इसे बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज करार दी गई थी। इसी साल ही इनकी फिल्म आई महाराजा और दोस्तों इस फिल्म की लागत थी 5,75,00,000 की और इसने कमाई की थी 9,15,00,000 की, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म आई मनीषा कोइराला जी की साल 1999 में कच्चे धागे और दोस्तों इसकी लागत थी 10 करोड़ की और इसने कुल कमाई की दुनिया भर से 23,65,00,000 की और इसी के साथ यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसके बाद आई थी लाल बादशाह, 11 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म ने कमाई 10,80,00,000 और यह डिजास्टर रही। इसके बाद आई थी लावारिश, फिल्म की लागत थी दोस्तों 4 करोड़ और इसने कमाई की 5 करोड़ की और यह फ्लॉप रहती है। इसके बाद आई जय हिंद, फिल्म की लागत थी 4 करोड़ और इसने कमाई की मात्र 2,34,00,000 की और यह डिजास्टर रहती है। इसके बाद आई थी इनकी फिल्म कारतूस और इस फिल्म की लागत थी 8,75,00,000 की और इसने कमाई की 10,99,00,000 और यह फ्लॉप रही थी। इसी साल ही मनीषा जी की फिल्म आई थी मन और दोस्तों इस फिल्म की लागत थी 14 करोड़ की और इसने दुनिया भर से कमाई की थी 30,23,00,000 की और इसी के साथ ही इसे बॉक्स ऑफिस पर अबव एवरेज करार दी गई थी। इसी साल ही इनकी फिल्म आई हिंदुस्तान की कसम, 13 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म ने कमाई थी 22,07,00,000 की और यह बिलो एवरेज हुई थी। अगली फिल्म आई इनकी साल 2000 में खौफ और इसे 7,50,00,000 की लागत से बनाई गई थी और इसने कमाई की थी 8,83,00,000 की और दोस्तों यह फ्लॉप रही। इसी साल ही इनकी फिल्म आई बाघी और इस फिल्म की लागत थी 5,75,00,000 की और इसने कमाई की थी 5,43,00,000 और यह भी फ्लॉप हुई थी। इसके बाद इनकी फिल्म आई थी राजा को रानी से प्यार हो गया और इस फिल्म की लागत थी 4,75,00,000 की और दोस्तों इसने कमाई की थी मात्र 64,00,000 की और यह बुरी तरह डिजास्टर हुई थी। इसके बाद आई थी चैंपियन, फिल्म की लागत थी 10 करोड़, कमाई की इसने 12,26,00,000 और यह फ्लॉप रही। 2001 में इनकी फिल्म आई ग्रहण, फिल्म की लागत थी 5 करोड़ की और इसने कमाई की मात्र 1,43,00,000 और यह डिजास्टर हुई थी। इसके बाद आई छुपा रुस्तम, 3,25,00,000 की लागत से बनी इस फिल्म ने कमाई थी 7,67,00,000 की और यह एवरेज हुई थी। इसके बाद आई थी लज्जा, फिल्म की लागत थी दोस्तों 22 करोड़ और इसने कमाई की 29,35,00,000 की और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई मोक्ष, फिल्म की लागत थी 5 करोड़ और इसने कमाई की मात्र 82,00,000 की और इसी के साथ यह डिजास्टर रही। अगली फिल्म आई इनकी साल 2002 में कंपनी, 9,05,00,000 की लागत से बनी इस फिल्म ने कमाई थी 21,54,00,000 की और दोस्तों यह एवरेज रही। इसके बाद आई जानी दुश्मन और इस फिल्म की लागत थी 18 करोड़ और इसने कमाई की 15,58,00,000 की और दोस्तों यह डिजास्टर हुई थी। इसी साल ही इनकी फिल्म आई एक छोटी सी लव स्टोरी, इस फिल्म की लागत थी मात्र 1,50,00,000 की और इसने कमाई की 6,96,00,000 और दोस्तों यह हिट हुई थी। 2003 में इनकी फिल्म आई एस्केप फ्रॉम तालिबान और इस फिल्म की लागत थी 3,50,00,000 और इसने कमाई की मात्र 1,44,00,000 की और यह डिजास्टर रही। इसी साल ही इनकी फिल्म आई कलकत्ता मेल और इस फिल्म की लागत थी 5,75,00,000 और इसने कमाई की 4,02,00,000 की और यह भी डिजास्टर रही। इसके बाद आई मार्केट, फिल्म की लागत थी 2 करोड़, कमाई की थी इसने 4,27,00,000 की और यह फ्लॉप रही। अगली फिल्म आई इनकी साल 2004 में पैसा वसूल और इस फिल्म की लागत थी 3 करोड़ की और इसने कमाई की थी मात्र 69,00,000 की और इसी के साथ यह डिजास्टर रही। इसके बाद आई तुम, 3,75,00,000 की लागत से बनी इस फिल्म ने कमाई 4,32,00,000 और यह फ्लॉप रहती है। 2005 में इनकी फिल्म आई चाहत एक नशा, 2,25,00,000 की लागत से बनी इस फिल्म ने कमाई की थी 1,53,00,000 और यह डिजास्टर रही। इसके बाद आई थी ताजमहल और इस फिल्म की लागत थी 10 करोड़ की और इसने कमाई की 3,10,00,000 की और यह डिजास्टर रही। इसी साल ही इनकी फिल्म आई अनजाने और दोस्तों
इसकी लागत थी 1,50,00,000 और इसने कमाई की मात्र 13,00,000 की और यह भी बुरी तरह डिजास्टर हुई थी। 2006 में इनकी फिल्म आई दरवाजा बंद रखो। 3,75,00,000 में बनी इस फिल्म ने कमाई 2,32,00,000 और यह डिजास्टर रही। इसके बाद 2007 में आई अनवर और इस फिल्म की लागत थी 3,00,000,000 और इसने कमाई की मात्र 12,00,000 की और यह डिजास्टर रहती है। इसके बाद 2008 में इनकी फिल्म आई तुलसी और इस फिल्म की लागत थी 1,00,000,000 और इसने कमाई की मात्र 1,00,000 और यह बुरी तरह डिजास्टर हुई थी। इसके बाद आई सिर्फ और इसकी लागत थी 3,00,000,000 और इसने कमाई की थी 55,00,000 की और दोस्तों यह भी डिजास्टर रही। इसके बाद आई थी इनकी फिल्म महबूबा और इस फिल्म की लागत थी 22,00,000 और इसने कमाई की मात्र 3,78,00,000 और यह भी बुरी तरह डिजास्टर रही। दोस्तों इसके बाद साल 2009 में मनीषा जी की फिल्म आई थी 2 पैसे की धूप 4 आने की बारिश और दोस्तों आपको बता दे इस फिल्म को फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी। इसके बाद 2010 में इनकी फिल्म आई 1 सेकंड। इसके बाद 2011 में आई थी आई एम और इसकी लागत थी 1,75,00,000 और इसने कमाई की मात्र 67,00,000 की और यह डिजास्टर रही। इसके बाद 2012 में आई इनकी फिल्म भूत रिटर्न्स। फिल्म की लागत थी 7,50,00,000 और इसने कमाई की 6,39,00,000 और यह डिजास्टर रही। इसके बाद 2015 में आई चेहरे। 4,00,000 की लागत से बनी इस फिल्म ने कमाई मात्र 4,00,000 और यह बुरी तरह डिजास्टर रही। इसके बाद 2017 में इनकी फिल्म आई डियर माया और इस फिल्म की लागत थी दोस्तों 7,00,000 और इसने कमाई की मात्र 22,00,000 की और यह बुरी तरह डिजास्टर रहती है। इसके बाद 2018 में इनकी फिल्म आई लस्ट स्टोरीज और दोस्तों इसे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे रिलीज की गई थी। इसी साल ही मनीषा कोइराला जी की फिल्म आई संजू और दोस्तों इस फिल्म की लागत थी मात्र 96,00,000 की और दोस्तों इसने 586,85,00,000 की ताबड़तोड़ कमाई की और यह बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो गई। इसके बाद 2019 में इनकी फिल्म आती है प्रस्थानम। फिल्म की लागत थी 39,00,000 की और इसकी कमाई हुई थी 7,57,00,000 की और दोस्तों इसी के साथ यह डिजास्टर रहती है। 2020 में इनकी फिल्म आई थी मस्का और दोस्तों इसे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे रिलीज की गई थी। इसके बाद 2021 में इनकी फिल्म आई 99 सॉन्ग्स और इस फिल्म ने कमाई की थी दोस्तों मात्र 6,00,000 की और इसी के साथ यह डिजास्टर हुई थी। इसके बाद 2023 में इनकी फिल्म आई है शहजादा और दोस्तों इसकी लागत थी 65,00,000 की और इस फिल्म की कमाई हुई थी मात्र 47,43,00,000 की और इसी के साथ यह डिजास्टर हुई थी। तो दोस्तों यह था मनीषा कोइराला जी का अब तक का फिल्मी सफर। आपको इन सभी फिल्मों में से इनकी कौन सी फिल्में ज्यादा पसंद है आप हमें नीचे कॉमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दे ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों खत्म, बाय बाय, टाटा।